में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक प्रस्तावित 79वें अखिल भारतीय बुंदेलखंड हॉकी टूर्नामेंट के आयोजन हेतु आयोजन समिति एवं नगर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुई, जिसमें टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने वाली टीमों, टूर्नामेंट पर व्यय धनराशि सहित विभिन्न प्रमुख बिंदुओं पर विचार हुआ तथा चरखारी विधायक के संरक्षण में आयोजित होने वाले हॉकी टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए सभी को एकजुट होकर लगने का आह्वान किया गया है। 79वें अखिल भारतीय बुंदेलखंड हॉकी टूर्नामेंट के आयोजन के लिए प्रथम बैठक श्री मोहन राम जी धर्मशाला में टूर्नामेंट आयोजन समिति के अध्यक्ष पूर्व फौजी कुलदीप भटनागर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में टूर्नामेंट समिति के महासचिव सादिक इस्लाम ने प्रस्तावित टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने वाली टीमों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि हॉकी टूर्नामेंट में देश के विभिन्न प्रदेशों की चुनिंदा टीमों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय टीम के सहित कुल 17 टीमों का प्रस्ताव रखा गया। सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक रविंद्र पाठक ने आयोजन में आने वाले खर्च पर चर्चा की, जिसमें टीमों के खाने पीने ठहरने किराया भाड़ा के अलावा प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 75,000 रुपए सहित करीब 10,00,000 रुपए व्यय का अनुमानित बजट प्रस्तावित किया गया है तथा इस व्यय के लिए धन संग्रह सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है। बता दें कि कोरोना संकट के पूर्व इस टूर्नामेंट का आयोजन नगरपालिका परिषद द्वारा कराया जाता रहा है, लेकिन कोरोना काल के बाद से हॉकी टूर्नामेंट आयोजन में ग्रहण लग गया। ज्ञातव्य हो कि देश भर में बुंदेलखंड में चरखारी हॉकी टूर्नामेंट ही ऐसा टूर्नामेंट है जो हॉकी इंडिया से एफिलिएशन के साथ तहसील स्तर पर आयोजित होता है। टूर्नामेंट के वैभव को देखते हुए चरखारी विधायक डॉक्टर ब्रजभूषण राजपूत ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट को बचाने तथा कायम रखने का बीड़ा उठाया है। बैठक में आयोजन समिति के अध्यक्ष पूर्व फौजी कुलदीप भटनागर ने बैठक में कहा है कि रियासत काल के बाद से हमने कुछ न कुछ खोया है, लेकिन बुंदेलखंड हॉकी टूर्नामेंट चरखारी की पहचान रही है और पहचान को बचाए रखने की हर कोशिश की जा रही है। बैठक में प्रमुख रूप से रमन किशोर गोस्वामी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा, भाजपा नगर अध्यक्ष रजनीश गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि उदित राजपूत, अकिल रजा खां, शशिकांत शर्मा, कैलाश ताम्रकर, सलीम ताज सहित गणमान लोग व सभी पत्रकार मौजूद रहे। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। बैठक का आयोजन किया गया है आज नगर के संप्रांत लोगों के साथ। आज नगर चरखारी में अखिल भारतीय बुंदेलखंड हॉकी टूर्नामेंट जो हमारी विरासत है, ये तकरीबन 80 साल से चल रहा है। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आने वाले अगली एक फरवरी से इसको दोबारा स्टार्ट करा जाए। किस तरीके का टूर्नामेंट की योजना बनाई गई है, कैसा टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं आप लोग? टूर्नामेंट अखिल भारतीय है तो स्वाभाविक है कि इसका स्वरूप बहुत विराट होगा और अपने राष्ट्र की जो नामी ग्रामीण टीमें यहाँ पे खेलने आती रही हैं वो कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे यहाँ पे खेल चुके हैं और हमारे जो हॉकी के जादूगर हैं ध्यानचंद जी वो भी यहाँ पे आगे खेल चुके हैं। तो हमारी बहुत बड़ी विरासत है जिसको हम लोग दोबारा फिर इसको शुरू करने जा रहे हैं और एक विराट रूप में इसका कार्यक्रम होगा।